मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल, कई मंत्रियों को मिला प्रमोशन, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। के रहमान खान, दिनशा पटेल, अजय माकन, पल्लम राजू, अश्विनी कुमार, हरीश रावत और चंद्रेश कुमारी कटोच ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, जबकि मनीष तिवारी और अभिनेता के चिरंजीवी को मिला राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद। 13 राज्य मंत्रियों ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। शशि थरूर की मंत्रिमंडल में फिर से वापसी। वहीं एनसीपी कोटे से तारिक अनवर को बनाया गया मंत्री। तमिलनाडु ने दिल्ली सरकार द्वारा छोड़ी गई बिजली को उसे आवंटित किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला किया। तमिलनाडु सर्वोच्च अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की लगाएगा गुहार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की दिशा में सहारा समूह के मामले में पेशेवर जांच एजेंसियों की नियुक्ति की योजना बना रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को 3 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाने का दिया है आदेश। हैती में तूफान सैंडी के कारण 29 लोगों की मौत। तेज रफ्तार से आए इस तूफान से वहां की फसलों और सड़कों को पहुंचा काफी नुकसान। अधिकारियों के मुताबिक तूफान की चपेट में आने से 8 लोग घायल और 4 लोग अभी भी लापता। इराक में ईद के मौके पर खेल के मैदान के पास हुए बम विस्फोट और अन्य चरमपंथी हमलों में कई बच्चों सहित 31 लोगों की मौत। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। इसके अलावा हमलों में बच्चों सहित 24 अन्य लोग घायल। बर्मा के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि जातीय हिंसा की चपेट में फंसे देश के पश्चिमी हिस्से में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। राष्ट्रपति थेन चेन के प्रवक्ता जाओ हतेई ने कहा कि रखाइन राज्य में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पूरे के पूरे गांव और शहरों के हिस्सों को जला दिया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बजट में कटौती किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 1 मिनट का मौन धारण कर संसद की तरफ किया कूच, सरकार से की इस्तीफे की मांग। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने दर्ज की एक और जीत। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जर्मनी की जूलियन शैंग को दी 21-19, 21-8 से मात। लायनल मेसी ने अपने करियर में 300 गोल का आंकड़ा छुआ, जबकि बार्सिलोना ने राव वाले कानों को 5-0 से रौंदकर लालिगा फुटबॉल लीग के शीर्ष पर 3 अंक की बढ़त ली। चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी सिक्सर्स और घरेलू टीम हाईविल लायंस न्यू वंडर स्टेडियम में आज आमने सामने होंगी। दूसरे इंडियन ग्रांड प्री का रोमांच चरम पर। रेडबुल ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल को पहली और इसके बाद टीम के सदस्य मार्क वेबर को मिली पोल पोजीशन। फेरारी के फर्नांडो अलोंसो की 5वीं पोजीशन।